नमस्कार फ्रेंड्स दिस इज सुप्रिया जैन तो सुबह के हेक्टिक स्केड्यूल का एक मिनी व्लॉग, तो आज मैं स्कूल में टिफ़िन में भेज रही हूँ सेम फली की सब्जी मतलब इसे बालोट भी बोलते हैं और बालोट टमाटर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है आप टिफ़िन में ज़रूर भेज के देखिए बच्चे इसे पसंद करेंगे तो मैंने टमाटर ऐड करने के लिए चॉप कर लिया है बालों को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसकी मैं बनाऊंगी सूखी सब्जी तो ये सब्जी का टेस्ट सही में बहुत अच्छा लगता है आप इसे ट्राई करके देखिए स्कूल में तो अब मैं यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन के लिए इसको मैंने निकाल दिए ताकि ये ठंडा हो जाए और मुझे पैक करने में इजी रहे तो यहाँ पे ये एक टिफ़िन तो पैक हो गया है मेरी डॉटर का जो थोड़ा सा जल्दी जाएगी और अब मैं यहाँ पे वे बना रही हूँ मेरा गरम नींबू का पानी जो मुझे सुबह लेना होता है तो ये बहुत हॉट वाटर बॉइलिंग वाटर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक लेमन का जूस और इसे कंज्यूम करना है लेकिन इसे बैठ कर ही कंज्यूम करें कभी भी खड़े खड़े पानी नहीं पिए अब ये मैं पैक कर रही हूँ अतिशय का टिफ़िन टिफिन पैक हो गया है और अब मैं उसको साथ में बटर मिल्क और इसमें मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है और भुनावा जीरा और सॉल्ट ऐड करके मैं बनाऊंगी हाफ ग्लास बटर मिल्क तो ये सूखी सब्जी के साथ आज मैं कर्ड नहीं देवी हूँ आज मैं देवी हूँ बटर मिल्क बहुत बार वो कर्ड ले जाना नहीं पसंद करता है तो फिर मैं इस तरीके से बना देती हूँ फ्रूट लंच में मैं देवी हूँ ग्रेप्स इनको मैंने धो कर सुखा लिए हैं इस नैपकिन में और अब मैं इनको रख दूँगी टिफिन में और एक सा उनके फुटबॉल के पहले कुछ होता है उसमें मैं देवी हूँ कैशोनट्स और वेजन्स तो इसमें स्प्राउट्स भी दे सकते हैं बट वो बहुत एक मिनी सा कुछ ले जाना होता है तो वो ले जाएगा और आज मैं इनको अतिशय को दूंगी जूस एक्चुअली मैं एक दिन दूध और एक दिन जूस इस तरीके से सेट करके रखती हूँ डेली मिल्क भी नहीं देती और डेली जूस भी नहीं देती हूँ ताकि वो बोर नहीं हो और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ हमारे लिए आंवले हल्दी का जूस तो ये आंवले और हल्दी मैंने ले लिया है कट करके और इसमें ऐड करूँ थोड़ा सा निभाया पानी और ये रेडी हो गया आंवले हल्दी का जूस तो अभी कच्ची हल्दी है ना उसे बहुत कंज्यूम करिए और अब मैं बना रही हूँ पालक की कड़ी क्योंकि इस सब्ज़ी में इस सूखी सब्ज़ी के साथ पालक की कड़ी का कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लग रहा है तो ये मैं बनाऊंगी और अब मैं यहाँ पे लगा हुई हूँ जौ का आटा क्योंकि मैं गेहूं की चपाती नहीं बना रही हूँ तो मैं जौ की चपाती बनाऊंगी और टिफिन में मैंने बच्चों को लेकिन दी थी गेहूँ की चपाती तो ये रेडी हो गया मेरा आज का लंच ये सैलेड ये पालक की कड़ी ये बालू टमाटर की सब्ज़ी और आंवले का अचार तो सब्सक्राइब फॉर मोर आईड